जयपुर से। फोन लेने आयो? यस। प्रिंस भैया से? यस। कितने में? 500 में। गंगापुर भीलवाड़ा में 500 रुपए में मोबाइल खरीदने सैकड़ों लोगों की जुटी भीड़ रास्ता जाम होने पर पुलिस ने खदेड़ा 500 रुपए में मोबाइल और 951 रुपए में टैबलेट खरीदने वालों की आज भीड़ जुटी तो माहौल बिगड़ने लगा। लोगों की भीड़ बढ़ती गई और रास्ता जाम होने लगा। सूचना पर भीलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़ दिया। अब चर्चा ये है कि 500 रुपए में मोबाइल कैसे मिल सकता है। तो ये रहा आपके 500 वाला मोबाइल, खोल के देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। देखे 500 में चीज देने वाला हूं, रियली। में एक मोबाइल व्यापारी ने इंस्टाग्राम पर कुछ मोबाइल दिखाए और 500 में बेचने के लिए युवाओं को आमंत्रित किया। दुकानदार का वो वीडियो वायरल हो गया और बुधवार को भीलवाड़ा ही नहीं, चित्तौड़गढ़, गंगरार आदि जगहों से लोग दिन में 12 बजे पहले भवानी नगर चौराहे के समीप इकट्ठे होने लगे। भीड़ बढ़ने पर सबको आरसी शंख आश्रम भेज दिया गया, जहां सड़क जाम होने के हालात हो गए। और 500 में मोबाइल खरीदने के लिए पहले मैं के चलते स्कूल की दीवार और फाटक लांघते हुए भी युवा नजर आए। अब कितने लोगों को यह मोबाइल मिला इसका पता नहीं, लेकिन माहौल बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और वह जमा भीड़ को खदेड़ दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह ने बताया कि 500 रुपये में मोबाइल बेचने की जांच पुलिस कर रही है। वास्तविकता क्या है यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। एक मोबाइल व्यवसाय का कहना है कि 500 रुपये में तो मोबाइल की डिस्प्ले भी नहीं आती, तो मोबाइल कहां से आएगा। इसमें जरूर फर्जीवाड़ा है जिसकी पुलिस को जाँच करनी चाहिए।